शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। कंपनी की बात करें, जो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने इंश्योरेंस होते हैं वो सारे कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है। कंपनी के करंट प्राइस की बात करें 1077 रुपये का है। आज के दिन की गिरावट को देखें तो 4.75% की गिरावट हमें नज़र आती है। 53.75 रुपये की बड़ी गिरावट जो है आज के दिन हमें शेयर में नज़र आती है। इससे पहले अगर हम कल के दिन की तेज़ी को अगर देखें 5 दिन के चार्ट में हमें पता चलेगा तो यहाँ पे जो है हमें इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे हमें जो है तेज़ी देखने को मिलती है। अब ये तेज़ी जो थी, इस तेज़ी के पीछे का रीज़न ये था कि जो नंबर्स एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि जो Q4 के जो नंबर्स थे, मार्च 2023 के क्वार्टर के जो नंबर थे, वहाँ पे ये अनुमान लगाए गए थे कि कंपनी के नंबर्स जो है बढ़िया आएंगे, बेटर कंपनी परफॉर्म करेगी, और हुआ भी वही, कंपनी के नंबर्स अच्छे आए। लेकिन थोड़ी सी कमी ये हो गई कि जो प्रीमियम्स जिस अमाउंट में कंपनी को मिलना चाहिए था उस अमाउंट में प्रीमियम, यानी कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, पैसा होता है, उस अमाउंट में कंपनी को नहीं मिला है। उसके अलावा सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में रही हैं। जो प्रॉफिट है वो भी 40% के आसपास जो है बढ़ता हुआ, यानी कि बड़ा जंप उसमें देखने को मिला है। तो हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में -6.59% का रिटर्न देखने को मिलता है। इस बीच में 1300 रुपये के आसपास का लेवल भी शेयर ने जो है टच किया था। एक साल की बात करें तो एक साल में 20% की मंदी शेयर में देखने को मिलती है। 1400 रुपये का के लेवल से जो है ये गिरावट हमें जो है शेयर में देखने को मिल जाती है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 39% का, यानी कि 40% का मामूली रिटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। हालांकि ऊपर के लेवल पे अगर हम देखें तो ये रिटर्न जो है हमें 100% के ऊपर भी जाता हुआ देखने को दोस्तों मिल जाता है। उसके अलावा मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 58% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। 2017 की कंपनी की लिस्टिंग है तब से अगर देखें तो रिटर्न उस तरह के नहीं दिए हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को जो है कैरी किया जाए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है इस स्टॉक में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को जो है अवॉइड कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है शेयर को अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट जो है आज के दिन एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती हुई हमें देखने को मिलेगी, जो कि 5% के आसपास की हमें जो है देखने को मिल जाती है। उसके पिछले दिन की बात करें तो एक ग्रीन कैंडल जो है बनती हुई हमें दिख रही थी। वो क्यों बनती हुई दिख रही थी, कि वो क्यों बनी, वो मैंने जो है आपको पहले ही बता दिया है। कहने का मतलब ये है, शेयर जो है अभी अगर हम देखें तो अपने सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में जो है ट्रेंड कर रहा है। 1076 रुपये का प्राइस है और 1050-1040 रुपये के आसपास की सपोर्ट हमें देखने को मिलती है। सपोर्ट मानिए या लो मान के इसको चलिए, जो कि इसने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले अपना लगाया था। तो कंपनी के नंबर्स बढ़िया आए हैं, ऐसे में जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी भी कुछ कमेंट्री है शेयर के ऊपर, वो सब भी जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा मैंने बताया, आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अगर कोई कैरी कर रहा है तो आप जो है अपने डिसीजन पे एक बार फिर से जो है थोड़ा ध्यान उस पर लगा सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड फॉल्स 4% ऑन लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्नेड प्रीमियम। तो जैसा मैंने बताया कि प्रीमियम इनको उस अनुपात में नहीं मिले हैं, यानी कि उस क्वांटिटी में नहीं मिले हैं जिस क्वांटिटी में इनको जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, जिस क्वांटिटी में इनको जो है मिलना चाहिए था। व्हाट ब्रोकरेज सेज, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ गाइडेड फॉर ए 102% कंबाइंड ऑपरेटिंग रेशियो बाई फाइनेंशियल ईयर 2015 विच हैज़ ब्रोकरेज डिवाइडेड। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि शेयर जो है 4% गिर गए हैं। क्यों गिरे हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम अर्न किया है इंश्योरेंस का, वहाँ पे जो है डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिली है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस नेट अर्नेड प्रीमियम फॉर द क्वार्टर रोज 12.3% वाई ऑन वाई बेसिस पे 3,726 करोड़ का जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या होता है कि 3,726 करोड़ का प्रीमियम कंपनी को मिलता है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो एस्टीमेट लगाया था वो एस्टीमेट था 4,011 करोड़ के आसपास का। तो ऐसे में जो है यानी कि 400 करोड़ के आसपास की जो ये कमी है
वो कहीं ना कहीं जो है उस वजह से आज के दिन शेयर में गिरावट हमें जो है देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो जो नेट प्रॉफिट है वो 40% तक जो है जंप किया है, 487 करोड़ का जो है, सॉरी 437 करोड़ का जो है बाई ऑन बाई बेसिस पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्सपेक्टेशन जो लगाई गई थी 394 करोड़ की एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे लगाई गई थी, उस एस्टिमेट को बीट किया है। हालांकि प्रीमियम के मामले में जो है कहीं ना कहीं शेयर में जो गिरावट उस वजह से जो है हमें देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है 5255 करोड़ के आसपास जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलती है और 13% की ग्रोथ जो है इसमें हमें देखने को मिल जाती है। हियर इज व्हाट ब्रोकरेज हैव टू से अबाउट द कंपनी एंड स्टॉक पोस्ट Q4 रिजल्ट। ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकर फर्म जेफरीज वाज पॉजिटिव बट कॉशन्ड टू वॉच फॉर इम्पैक्ट ऑफ राइज इन री इंश्योरेंस कॉस्ट अंडर EOM एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रिजाइम इन फाइनेंशियल ईयर 2014। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव तो हैं लेकिन साथ ही जो है इन्होंने कोशिश किया है कि जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं ICICI लोम्बार्ड की जो कंपनी है, जो शेयर है, उसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रोकरेज बिलीव्स ICICI लोम्बार्ड स्टेक सेल एंड CEO सक्सेशन में लिमिट इट्स री रेटिंग पोटेंशियल फैक्टरिंग इन द रिस्क द ब्रोकरेज हाउस रिटेन इट्स बाई कॉल बट कट द प्राइस टारगेट फॉर द स्टॉक RS 1560। यानी कि बाई की रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कट कर दिया है, 1560 रुपये का टारगेट जो है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है रखा गया है। उसके अलावा जो है आगे देखें, मॉर्गन स्टैनली वाज आल्सो पॉजिटिव अबाउट बेटर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर विच इज अटीव्ड लोअर अंडरराइटिंग लॉस एंड हायर इन्वेस्टमेंट इनकम। ब्रोकरेज फर्म यानी कि मॉर्गन स्टैनली की बात कर रहे हैं हम, ओवरवेट रेटिंग यहाँ पे दी है और टारगेट प्राइस जो है 1400 रुपये के आसपास का रखा है। अपसाइड की बात करें तो हमें जो है अप्रैल 18 के अकॉर्डिंग जो है 26% का जो है अपराइड, अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 30% का अपराइड जो है हमें देखने को इसमें मिल जाता है। तो कुल मिला के जो है कहानी ये है कि जो भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे आगे हम UBS सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने भी जो है बाई की रेटिंग दे रखी है और साथ ही जो है 1455 रुपये का टारगेट इसमें दे रखा है। अब आगे JP Morgan की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी जो रेटिंग है इन्होंने जो है न्यूट्रल रेटिंग दी है और 1160 रुपये का टारगेट जो है साथ में दिया है। कहने का मतलब ये है जो मिक्स्ड एक आउटकम होता है उस तरह का हमें ब्रोकरेज हाउसेस का देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि कंपनी के नंबर्स जो है जैसा हमने बताया बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि तगड़े नंबर कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। संभावना ये थी कि शेयर जो है आगे भागेगा लेकिन मार्केट ने किया प्रीमियम जो कंपनी को पूरे नहीं मिले, यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट जितना एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं मिला, उस वजह से जो है शेयर में आज जो है 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। शेयर के प्राइस की बात करें सपोर्ट के आसपास है, शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया जा सकता है। नंबर्स कमाल के हैं, कंपनी जो है बेटर परफॉर्म करती हुई हमें होती हुई देखने को मिल सकती है।